अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। आज हम कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे, बड़ी क्विक सी रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखें, 2 कप मैंने बेसन लिया है, 1/2 किलो दही लिया है मैंने, 1 बड़े साइज की प्याज मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिए और ये मैंने बघार कर लिए रखा है सामान। इसको हम बघार में ऐड करेंगे। थोड़ा सा कढ़ी पत्ता है, जीरा है, राई है और मेथी दाना है। देखिए, कड़ी पत्ता मेरे पास सूखा हुआ था, आपके पास ताजा हो तो ताजा ले लें। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने भर के हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने पीसी लाल मिर्च, नमक ऐड किया है इसके अंदर और ये मैं दही ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, वरना कढ़ी के अंदर लम्स नज़र आते हैं वो फिर बहुत मुश्किल से डिसॉल्व होते हैं और जो है बुरे भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सी कढ़ी हो जाती है। इतने आप स्मूथली इसको फेंट लें ताकि इसमें ज़रा से भी कोई लम्स ना रहे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे हम इसको, लेकिन बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं है इसके अंदर, मैंने अच्छे से फेंट लिए। बाकी पानी अब हम पतीली में डाल के इसको ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अभी देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है इसके अंदर और ये हम मसाले सारे ऐड कर रहे हैं हल्का सा इसके अंदर। हम इसको हम तड़का लगा के और हम कढ़ी चढ़ा देंगे। प्याज मैंने डाली है, इसको भी हम हल्के से सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, लाल नहीं करना है वरना कढ़ी में ये लाल लाल नज़र आएंगी। हल्का सा सौते करेंगे ताकि कढ़ी के अंदर गल जाए, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब ये इसके अंदर मैं 2 जग भर के पानी में इसमें ऐड कर दूँगी डालने के बाद और इसको हम इसको जब तक चम्मच चलाएंगे जब तक इसके अंदर खोल ना आ जाए, वरना ये कि गिटलियाँ पड़ने की चांसेस होते हैं, तो इसलिए कोशिश करा करें कि इसको जब तक आप वक्फे वक्फे से चलाते रहें। देखिए, थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है हमारी कढ़ी क्योंकि अब खोल आने वाली है हमारी कढ़ी में। जब हमारी कढ़ी में खोल आ जाएगी तो इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको लगा देंगे चूल्हे के ऊपर ताकि इसके अंदर इस अच्छे से पक जाए, इसके बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए, हमारी कढ़ी जो है 1/2 घंटा मैंने लगाई थी, हमारी कढ़ी अच्छे से पक चुकी है। अब हम पकौड़ों का कर लेते हैं। बेसन लिया है मैंने 2 कप, हल्दी ली है मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाली है इसके अंदर ताकि कलर चेंज हो जाए, 1 टीस्पून इसके अंदर पीसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे, बिल्कुल लम्स ना रहे, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और बेसन थोड़ा सा फेंट के 2-3 मिनट के लिए रेस्ट दें ताकि जो है अच्छा सा फूल जाए बेसन, तो पकौड़े बनाएंगे तो इसमें फिर गिटली नहीं पड़ेगी, वरना अक्सर ऐसा होता है कि बेसन पकौड़ों के अंदर गिटली पड़ जाती है तो वो मज़े के नहीं लगते हैं, खाने में भी अजीब से लगते हैं कच्चे कच्चे, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। और अगर आप समझते हैं कि आपका बेसन इतना अच्छा नहीं आ रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें। ये देखें, मैं पकौड़े कितने ज़बरदस्त से फूल गए डालते ही, मैंने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया था, देखें कितने बिल्कुल फूल गए। इसकी यही निशानी होती है पकौड़ों की कि इस तरह से फूल जाता है एकदम तवे पे डालते ही, फ्राई पैन में डालते ही। और अगर ये नहीं फूले और बिल्कुल ऐंठे ऐंठे रहे तो इसके अंदर आप थोड़ा सा 4-5 पकौड़े ख़राब होंगे, होने दें आप, इसके अंदर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लें ताकि जो है जल्द वो सही हो जाए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से फूल के बड़े बड़े हो गए, डबल हो जाते हैं ये। अब हम बघार बना लेंगे इसके अंदर। मैंने मिर्चें डाली है, राई डाली है और लहसुन डाला है मैंने, साबुत लाल मिर्च डाली है इसके अंदर, लहसुन के जवे 10-12 जवे डाले थे, जीरा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और ये एंड में थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर और थोड़ी सी 1 पिंच मैंने हींग की डाली है। बघार में हींग का कढ़ी में जब तक टेस्ट ना हो बिल्कुल बहुत ही मज़े का लगता है इसके अंदर कढ़ी में हींग का टेस्ट। आप ज़रूर इसको इस तरह से इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा और बहुत मज़े की लगेगी।
कढ़ी पकौड़ा हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको चावल लोगे जिससे आप चाहें खाएं, और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।